हेलो गाइस, मैं हूं अदनान। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे पिक्सेल एलईडी का प्रोजेक्ट। ये आरजीबी एलईडी होती है, इसमें मल्टी कलर बन सकते हैं। प्रोग्राम के जरिए आप हर कलर इसमें बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग टिंकर गाइड ओपन कर लेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट का टेक्स्ट बोर्ड है और यहाँ पे आज हम प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे पिक्सेल एलईडी। अब हम लोग सर्च करेंगे यहाँ से आर्डिनो यूएनओ R3। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग पिक्सेल एलईडी लेंगे, यहाँ टाइप करेंगे पिक्सेल। देखिए पिक्सेल कई टाइप के होते हैं, रिंग होती है, स्ट्रेट होती है, अलग अलग टाइप के है। तो हम ये पिक्सेल 4 स्ट्रिप वाले ले लेते हैं। देखिए पिक्सेल एलईडी में 3 कलर की एलईडी होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो हर कलर बनाती है। आरजीबी एलईडी से आप हर कलर बना सकते हैं प्रोग्राम के ज़रिए। चलिए हम लोग भी इसको मल्टी कलर बनाते हैं। देखिए इसमें 3 पिन है, एक इनपुट पिन है, एक 5 वोल्ट, एक पावर है। इनपुट जो आर्डिनो से कनेक्ट होगी 5 वोल्ट, जो आर्डिनो के 5 वोल्ट, और GND जो आर्डिनो के GND से कनेक्ट होगी। अब हम GND पिन को आर्डिनो के GND से कनेक्ट कर देते हैं। इसको ब्लैक करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव पिन है। अब ये 5 वोल्ट आर्डिनो के 5 वोल्ट से पॉजिटिव पिन है, इसको हम रेड डिनोट कर देते हैं। इसी तरीके से अब हम आउटपुट पिन कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के पिन से। आर्डिनो की हम सेकेंड पिन से कनेक्ट कर देते हैं। अभी सेकेंड पिन से इसलिए कनेक्ट किए क्योंकि अब प्रोग्राम हम करेंगे वो सेकेंड पिन पे ही हमने डिनोट किया है। अगर हम प्रोग्राम में सेकेंड पिन चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने 4 LED का पिक्सेल ले लिया है। अब हम लोग कोड सेक्शन में चलते हैं। ये हमारा कोड है, यहाँ से हम कॉपी करते हैं। कोड हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से कोड कॉपी कर सकते हैं। अब कोड ब्लॉक में ओपन करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, कंटिन्यू। फिर यहाँ पे जो हमने कोड डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब हमने पेस्ट कर दिया। देखिए डिफाइंड पिन सेकेंड, हमने ये सेकेंड पिन पे डिफाइंड किया। अगर हम यहाँ 3 लिख देते तो 3 करते हैं। अब यहाँ डिफाइन नंबर ऑफ पिक्सल हमारी कितनी है, 1, 2, 3, 4 है, तो हम 8 की जगह क्या कर देंगे, 4। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेट करेंगे। ये देख सकते हैं मल्टी कलर अपने आप ऑपरेट होने लगी है कि हमने मल्टी कलर का कोड पूरा किया हुआ है। अब इसी तरीके से अगर हमें पिक्सेल इंक्रीज करना है तो इसको स्टॉप करेंगे और फिर से एक पिक्सेल ले लेंगे। एक ये पिक्सेल लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। देखिए तीर ये जा रही है, देखिए यहाँ से इनपुट तीर अगर यहाँ से जा रही थी, इनपुट ये आ रहा है, यहाँ से आउटपुट मिलेगा दूसरे पिक्सेल में। अब इसको हम लोग पिक्सेल को कनेक्ट कर देंगे। डिजिटल पिन को डिजिटल पिन से कनेक्ट कर देंगे, ग्राउंड पिन को ग्राउंड पिन से, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। इसको वायर की कलर कर देते हैं, ग्राउंड को ब्लैक करते हैं, इसको रेड, और ये सिग्नल पिन है। अब हम लोग कोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे। हमने कितनी पिक्सल यूज़ कर ली है, 8 पिक्सल यूज़ कर ली है। अब हम स्टार्ट से जितनी भी हम यहाँ पे पिक्सल यूज़ करेंगे तो यहाँ डिफाइंड कर देंगे। 4 और यूज़ किया तो 12 हो गया, तो यहाँ 12 डिफाइंड कर देंगे। जितनी भी पिक्सल एलईडी लेंगे उतनी यहाँ डिफाइंड करेंगे। हार्डवेयर में भी ये कोड में पिक्सल जितनी यूज़ होगी उतनी पिन हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेट करते हैं। देखिए स्टार्ट सिमुलेट कर दिया, देखिए वैल्यू इंक्रीज होने लगी, ये एलईडी पूरी ऑपरेट होगी। अब हम एग्जांपल दिखा सकते हैं, जैसे हमने अगर यहाँ पर 6 LED कर दिया तो 6 तक ही ऑपरेट होगी। ये देखिए देखिए 6 तक ही ऑपरेट हो रही है, 8 ऑपरेट नहीं हो पा रही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे चेंज करना नहीं भूलिएगा। कोड को स्टॉप करके यहाँ चेंज कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ये हमारी ऑपरेट हो रही है। इसी तरीके से ये मल्टी कलर, अलग अलग कलर हम बना सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही सीखेंगे, अगले ट्यूटोरियल में और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाएंगे। गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।